फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा है टेरेस गार्डन ओवरव्यू पर। बट उसके पहले आप सभी फ्रेंड्स को हैप्पी दशहरा। और ये जो मेरा दूसरा वाला गार्डन का पार्ट है जो मैंने एक्सटेंड कराया था टेरेस गार्डन, और आप लोग के साथ शेयर भी किया था। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ हार्डी परमानेंट प्लांट्स रख रखे हैं जो फुल सनलाइट में अच्छे से ग्रो होते हैं। तो सबसे पहला जो पौधा है जिसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है यहाँ पर, अब धीरे धीरे सभी में फ्लावरिंग वैसे होने लगी अच्छे से जब से इन्हें धूप मिल रही है, तो वो ये है हाइब्रिड ओलियंडर, कनेर का पौधा। और नीचे तो इसमें बिल्कुल फ्लावरिंग बहुत कम होती थी, बट जब से ये यहाँ आया है तो यहाँ पर सारे कनेर, क्योंकि इन्हें फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे तो मैं सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये मेरा चाइनीज़ लैंटर्न है, और चाइनीज़ लैंटर्न भी मैंने कुछ टाइम पहले ही नर्सरी से बाय किया था और आप लोग के साथ शॉपिंग वाली वीडियो में शेयर भी किया था, और इनमें भी काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और बहुत ही बढ़िया लग रहे थे ये। और जब आपके फेवरेट प्लांट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ये इस प्लांट को भी मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा तब जाके मुझे इलाहाबाद में ये मिल पाया था। ऑनलाइन भी मैंने एक बार लिया था माय बागीचा से, बट मेरा वो प्लांट बहुत ही ज़्यादा जब मुझे रिसीव हुआ था तो बहुत ही ख़राब कंडीशन में था, तो फिर सर्वाइव नहीं किया था। बट फिर मैंने लोकल नर्सरी से ही ये बाय किया, ये ब्लू क्लस्टर वाइन जैक मोंटिया। और जब आपके जो फेवरेट प्लांट्स होते हैं वो कम टाइम में आपको खूब अच्छे रिजल्ट देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और बिल्कुल इस प्लांट के साथ भी ऐसा ही हुआ, और ये प्लांट भी मैं छोटा सा लेके आई थी, नर्सरी वाले जो पॉट होते हैं उसमें लगा हुआ था, और ये 1 ईयर का भी अभी नहीं है। और इसमें आप देख सकते हो कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है, और इसकी केयर के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी किया था। और यहाँ पर ये थाईलैंड वैरायटी का बोगनविला है जिसमें कांटे नहीं होते हैं, और इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। ये भी प्लांट मैं छोटा सा लेके आई थी और अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर ये है पिंक टिकोमा, पिंक ट्रम्पेट भी बोलते हैं इसको, और इसमें खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, और ये बीज बटरफ्लाइज पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और यहाँ पर है ये मेरा पीली रात की रानी, और ये भी बहुत ही छोटा सा प्लांट है अभी मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इसमें भी काफ़ी अच्छा बंच आया है। और यहाँ पर एक स्पाइडर हिबिस्कस है, और साथ में ये रोज़ेलिया भी लगा हुआ है, और रोज़ेलिया बहुत ही बड़ा हो गया था मेरा, बट नीचे उसमें फ्लावरिंग बहुत कम होती थी, और जब से ये इस पार्ट में आया है गार्डन के ऊपर वाला जो मैंने एक्सटेंड कराया है, और क्योंकि इसको भरपूर धूप की ज़रूरत होती है, तो आप देख सकते हो कि इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और पूरा पौधा एकदम लाल हो रहा है। तो इस प्लांट का अगर आप ग्रो करते हो तो थंब रूल ये है कि सिर्फ फुल सन में ही ग्रो करना है, कम धूप मिलेगी तो ये फ्लावरिंग कम करेगा या तो फिर बिल्कुल भी नहीं करेगा। और ये प्लांट 1 ईयर पुराना है मेरा, और यहाँ पर मैंने बहुत सारा काम भी किया था। कल मैंने शाम में ये वाटर लेट्यूस का पूरा टब साफ़ किया, तो अभी ये भी अच्छे से हो गया है। और यहाँ पर जो है आइजोरा है, ये दोनों मैंने वाइट वाला और पिंक वाला एक साथ ग्रो कर रही हूँ, और इनमें भी अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। पिंक वाला प्लांट थोड़ा बड़ा था, वाइट वाला छोटा था, बट दोनों में स्टार्ट हो गई है। पिंक वाले इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो बट मैंने दोनों को बड़े पॉट में साथ में लगा रखा है ताकि बाद में ये दोनों अच्छे से पिंक वाइट मिलके बहुत अच्छे लगेंगे कंट्रास्ट में। और यहाँ पर मेरा एक क्रोसेंड्रा है, क्रोसेंड्रा जो अबोली का पौधा भी इसे बोलते हैं, और ये भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और यहाँ पर एक और ये छोटा वाला जो होता है आइजोरा डॉट वाला वो है, और ये जो पर्सलेन है ये अपने से निकल आए थे मेरे क्लिमेटिस वाइन के पॉट में, ये क्लिमेटिस है, और क्लिमेटिस में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, अब फ्लावरिंग थोड़ी कम हो रही है, जिसकी केयर पे मैं अभी वीडियो भी बना चुकी हूँ कुछ टाइम पहले ही, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हो। और इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, ये डकवाइन, डकवाइन बहुत ही
अच्छी इसने फ्लावरिंग करी है अनएक्सपेक्टेडली, और इसका भी एक साल का है ये प्लांट, और ये बहुत बढ़िया इसने फ्लावरिंग करी, और इसका साइज़ बहुत अच्छा आता है, और इसमें सीड पॉट भी बने हैं इस बार। और यहाँ पर टोरेनिया है, और टोरेनिया में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, बट इस पार्ट पर अब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ आती है, तो थोड़ा सा मुझे इसे शिफ्ट करना पड़ेगा, और क्योंकि जो फ्लावर्स हैं वो थोड़े से जल्दी स्पेंड हो जाते हैं। और यहाँ पर ये लॉलीपॉप प्लांट है, और ये बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर। तो गार्डन में हमेशा कुछ कुछ चेंजेस करते रहना होता है हर मौसम में, इनफैक्ट मैं बोलूँगी कई बार पॉट्स को यहाँ वहाँ करना पड़ता है। और ये येलो गार्डेनिया है, और छोटा सा है ये प्लांट अभी काफ़ी, बट इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। और इन्हें कैसे भूल सकती हूँ, तन्मय आयुषी के गिफ्ट किए हुए प्लांट हैं ये, और गल्फीमिया छोटे से हैं ये भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और मेरा पेंटास है, पेंटास बहुत मुझे पसंद है क्योंकि बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। और यहाँ पर मेरा ये हिबिस्कस है येलो वाला, इसमें भी छोटा सा प्लांट है ये, ब्रांच इसकी अभी सिंगल ब्रांच का ये, बट अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और ये वेरीगेटेड वाला है, ये सभी प्लांट अभी बहुत बड़े नहीं हैं, सभी छोटे छोटे हैं, क्योंकि मैंने जो है आप लोगों के साथ शॉपिंग वाली वीडियो में शेयर करती रहती हूँ छोटे छोटे प्लांट्स से मैं लेके आई हूँ। और इस पार्ट में सिर्फ ग्राफ्टेड वैरायटी के एडेनियम्स हैं, बहुत सारे एडेनियम्स हैं मेरे पास ग्राफ्टेड वाले, बट तभी मैं अभी फ्लावरिंग नहीं हुई, जो नए वाले खरीदे थे उनमें तो अभी एक दो में ही फ्लावरिंग हुई है, जैसे जैसे होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी। और पोस्ट मानसून फर्टिलाइज भी करना होता है प्लांट्स को, तो वो भी मैं अभी मुझे करना है इन सारे एडेनियम्स को। और ये जो ग्राफ्टेड एडेनियम देख रहे हो, ये आप मेरे हस्बैंड ने इसे ग्राफ्ट किया था। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये हिबिस्कस लाइन स्टेन हिबिस्कस बोलते हैं इसे, और ये जो है ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया था मेरा, तो छोटे पॉट में लगा हुआ था, तो मैंने अभी इसे ट्रांसप्लांट किया है, बड़े पॉट में लगाया है। और यहाँ पर ये दोनों हैं, ये येलो वाला टिकोमा है, और ये क्रेनबेरी वाला हिबिस्कस है, और ये भी अच्छे से चल रहे हैं। एक और ये हिबिस्कस है वाइट वाला, ये बहुत सारी फ्लावरिंग करते रहते हैं। और ये जो लेमन का प्लांट है, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े उन्हें पता होगा कि मैं अपने दूसरे वाले गार्डन से लेके आई थी, और ये बड़ा सा प्लांट था, और इसे मैंने ज़मीन से उखाड़ के लेके आई थी, और फिर मैंने इसे गमले में लगाया है, और आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा हो गया है। खूब बारिश हो रही थी तब मैं इसे लेके आई थी। और जेट्रोपा है, जेट्रोपा में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है। कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं ना कि मतलब मेरे ख्याल से हर गार्डन में होने ही चाहिए, जैसे जेट्रोपा है, अल्मेंडा वगैरह है, और बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं, बहुत ही कम केयर में चलते हैं ये। और ये अल्मेंडा मेरे बहुत सारे जो हैं जो ग्रिल से बाहर निकल जाते हैं उन्हें बंदर खा लेते हैं, वो बंदर का शिकार हो जाते हैं, तो रोज़ सुबह ऐसा ही होता है। और यहाँ पर इंडोर सेक्शन है, इंडोर का तो मैं सेपरेट बना चुकी हूँ, फिर किसी और दिन और बना दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, और एक एक प्लांट को एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बट इस तरीके से दिखता है ये, और बहुत ज़्यादा पास पास रखे हुए हैं, तो सबका होता है ना कि एक अलग ही वीडियो में मैं पूरा आप लोग को दिखा पाऊँगी सारे के सारे जो भी हैं। और यहाँ पर ये जो आइजोरा देख रहे हो आप, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था लास्ट ईयर, और सारी कटिंग आज भी इसी पॉट में लगी हुई हैं, और सभी में अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये वाला ब्रांच जो है, ये जो बंच आया था ये तो स्पेंड भी हो गया, ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं, जो कटिंग्स थी छोटी छोटी जो लग गई थी, उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ पर ये दुरांता है, ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था, और इसमें बहुत अच्छे से छोटा सा है ये अभी, लेकिन इसमें भी फ्लावरिंग होने लगी है। और मैंने बहुत सारा कल, जैसे मैंने बताया आपको कि वाटर प्लांट्स को सभी को क्लीन किया था, जो भी टब वगैरह हैं, तो मैंने ये वाटर लिली भी अपना ये जो वाला टब भी क्लीन किया था। और यहाँ पर ये मोज़ेक है, और मोज़ेक को भी मैंने क्लीन किया था, और इसमें आप देखो ये छोटे छोटे दो प्लांट और भी निकल आए हैं, तो अभी टोटल एक मैं लेके आई थी एक कटिंग इसकी, और अभी मेरे पास चार हो गए। और यहाँ पर एक और भी ये वाटर लिली है, वाटर लिली के भी मेरे पास चार कलर हैं, बट अभी तक फ्लावरिंग सिर्फ दो में हुई है, दो में होनी बाकी। और यहाँ पर साइड में मैंने वाटर मॉर्निंग ग्लोरी भी ग्रो कर रही हूँ, और वाटर मॉर्निंग ग्लोरी में भी फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया होती है। और यहाँ पर कुछ थल कमल है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर।